यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कल से शुरू होने जा रहा है। इसी सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। देखें उसमें क्या बोले यूपी के मंत्री राकेश सचान जी। 19 मार्च 2023 को आपके ही लीडरशिप में पहला संस्करण इसी जगह से, इसी हॉल से उसका कंट्रोल किया गया था और आपने उसकी प्रगति पहले फेयर में और अब दूसरे फेयर में अपने सामने देखी। ये वास्तव में एक बड़ा जिसका अनुभव है और इसके लिए आपका और आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही खासतौर पर MSME डिपार्टमेंट, श्री प्रज्वल यादव जी, हमारे कमिश्नर जस्टिस DI पांडियन जी और उनकी टीम, ऑडियो की टीम जिसमें हमारे पुलिस जी, कॉमर्स जी, जितने एडिशनल कमिश्नर हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं, उन सबने भी सर कार्यक्रम के लिए बहुत ही मेहनत से काम किया। और बहुत ही खासतौर पर मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारी फिल्म अथॉरिटी और हमारे जो गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन, उन्होंने इसमें दिन रात काम किया। 24 को प्रारंभ होने जा रहा है राज्य यूपीआई का तीस मुद्रा आयोजन 30 सितंबर तक चलेगी। आयोजन की शुभारम्भ राष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कल किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में हमारे देश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में वे मौजूद रहे और आज ये उत्तर प्रदेश पहचान की पहचान बना हुआ है। हमारे शुभारंभ में भारत सरकार के मिनिस्टर जीतनराम मांझी और जोशी किसान मंत्री नरेंद्र बहादुर जी शुभारंभ का स्वागत किया जाएगा और यह नाम उनके अध्यक्ष देश है। आयोजन में 25 को प्रदर्शित किया जाता है। अपने 70 देशों के 350 पंजीकरण यहाँ पर किया है और यह संख्या अभी और बढ़ेगी। आयोजन में लगभग 3.5 से 4 लाख तक भाग लेने की संभावना है जो विगत वर्ष से अधिक है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के सहयोग से वियतनाम, बोलीविया, रूस, वेनेजुएला, मिस्र, कजाकिस्तान के सांस्कृतिक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच आयोजन किए जाएंगे। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का लगातार डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, अभी जेवर एयरपोर्ट यहाँ से बनने जा रहा है और हर तरह से कानून व्यवस्था हो, विद्युत की आपूर्ति हो और लगातार जिस तरह से पिछले दिनों सरकार ने एक अपना यहाँ पर हमारे लखनऊ में एक बड़ा आयोजन हम लोगों ने उद्यमियों का किया जिसमें 40 लाख से अधिक के MU हुए। 40 लाख से अधिक के MU को 10 लाख MU को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी के उतारा। तो जिस तरह से उद्यमियों का विश्वास उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा है, निश्चित तौर पर उद्यमी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक उद्यम प्रदेश की ओर अग्रसर है तो $1 ट्रिलियन बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है और वो उद्यम ज्यादा लगेंगे, उत्पाद होगा और उत्पाद बिकेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर श्रम भी है, बाजार भी है, उपभोक्ता भी है। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना MSME के सहयोग से नहीं हो सकता, इसीलिए सरकार इन ट्रेड शो के माध्यम से अपने उद्यमियों के माल को बिक्री हेतु एक बड़ा बाजार देने का काम कर रही है। उसी